यूपी के अंदर भारत की सियासत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है और यहाँ पर जिस दिन पुलवामा का अटैक हुआ था उसी दिन से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पुलवामा अटैक के दूसरे दिन ही उत्तर प्रदेश पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने सभा की थी। उसके बाद वो लगातार यहाँ आते रहे। योगी आदित्यनाथ से लेकर उनके तमाम स्टार प्रचारक जिनको माना जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तमाम रैलियां की गई, लेकिन बसपा और सपा कई दिनों से खामोश नजर आ रहे थे और इसी को लेकर कई कई सुर्खियों बटो ये बातें सामने आ रही थी। क्या सपा बसपा इस बार चुनाव रणनीति नहीं बनाएगी या चुनाव के अंदर प्रचार नहीं करेगी या पिछड़ती नजर आ रही है चुनाव प्रशासन दौरान। लेकिन देवबंद के अंदर एक रैली की गई 7 अप्रैल को और उस वीडियो रैली का हर वीडियो आपने इस चैनल के ऊपर देखा, करीब 2.5 घंटे की वो रैली थी और 2.5 घंटे में से अधिकांश वीडियो आपने इस चैनल के ऊपर देखा। सबसे पहले बाबा साहब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की हर रैली को एक्सक्लूसिव वीडियो आप इस चैनल पर लगातार देख पा रहे हैं, हर रैली का, चाहे वो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश यानी किसी भी राज्य में क्यों ना हो। और आपको बता दें कि इस दौरान के अंदर बसपा सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव, अजीत सिंह कहीं ज्यादा पिछड़ रहे थे प्रचार के दौरान, लेकिन देवबंद के अंदर बुलाई गई रैली के अंदर उमड़ी लाखों की भीड़। अधिकांश लोग ये बता रहे कि 10 से 15 लाख लोग उस रैली के अंदर उमड़े थे और कई लोगों तक तो ये आंकड़ा 20 तक भी बताया जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि जिस दिन ये देवबंद में रैली हुई थी उस दिन देवबंद ही नहीं बल्कि सहारनपुर जिला जो था वो पूरी तरीके से सपा बसपा और रालोद गठबंधन से भर चुका था। चारों तरफ से जाम था, पूरा यूपी इसकी वजह से जाम था और चर्चाएं सुर्खियां आम हो गई थी। 3 घंटे तक लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव, अजीत सिंह बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहे। पहली रैली के अंदर उमड़ी इस लाखों की भीड़ से यह साफ हो चुका था कि सपा बसपा का रालोद का यह गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर किसी से कम नहीं है। रैली के अंदर जैसे ही बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची तो लाखों की भीड़ उन्हें देखने के लिए इतनी उमड़ी कि पत्रकार जैसे लोगों को भी, जो ग्राउंड बनाया गया था उनको भी तोड़कर काफी ज्यादा आगे तक जगह जहां दिखाई दे रही थी वहां पर लोग ही लोग दिखाई दे। बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रति इतना क्रेज था कि जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर हेलीपैड पे उतरता था तो लोग वहां तक उनके पास भाग कर जाते उसे देखने के लिए, और जैसे ही बसपा सुप्रीमो मायावती की गाड़ी हेलीपैड से निकलकर मंच तक पहुंचती तो भीड़ मंच की तरफ दौड़ रही थी। लेकिन इतना भीड़ होने के बावजूद भी अनुशासनहीनता की एक भी घटना सामने नहीं आई, क्योंकि बसपा की तरफ से लगातार आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी के पास बहुजन वीवीएफ जो उनका है वॉलंटियर फोर्स होती है, बहुजन समाज पार्टी की खुद की होती है और उसमें अनुशासित कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है और उनके अंदर लगाए गए जो आए हुए लोग होते हैं उनको एकत्रित करना और पुलिस की तरह वो वॉलंटियर पूरी तरीके से काम करती है। लेकिन कुल मिलाकर आपको बता दें कि इस रैली के बाद पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर है वो हवा का रुख बदल चुका है। गठबंधन के पक्ष में बना माहौल से ये साफ हो चुका है कि आने वाले दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से मजबूत दिखाई देने लगा है। तो आपको बता दें कि उसके बाद 7 तारीख के बाद 8 तारीख को अखिलेश यादव ने 2 जगह रैलियां की, बसपा सुप्रीमो मायावती ने मेरठ और ग्रेटर नोएडा में रैली की। उसके अगले दिन मतलब 9 अप्रैल को भी बसपा सुप्रीमो बिजनौर सहित कई राज्यों में जिलों में पहुंची तो अखिलेश यादव ने भी 2-3 जगह रैली, तो मतलब गठबंधन के नेता है उस दिन के बाद सक्रिय हो गए और चुनाव की पहले चरण की ऐन वक्त से पहले लगातार अलग अलग जगहों पर सभाएं करके अपने पक्ष के अंदर माहौल बना लिया है। तो गठबंधन की 8ों की जो सीटें पहले चरण के लिए हो रही है मतदान उसके अंदर अब सपा बसपा गठबंधन, पहले ही यूपी की जो सर्वे दिखाए जा रहे थे उनमें से अधिकांश से 8 में से 6 सीटें दिखाई जा रही थी, लेकिन अब 8 में से 8 सीटों पर सपा बसपा गठबंधन का रुख मजबूत हो गया है। लोगों की जो चर्चाएं हैं वो साफ हो चुकी है कि बसपा सुप्रीमो मायावती का क्रेज और जादू आज भी उतना ही बरकरार है जितना वो मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान रहा करता था। तो इस वजह से ये साफ हो चुका है कि आने वाले दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के जो परिणाम होंगे वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले होंगे और उत्तर प्रदेश बीजेपी का सूपड़ा साफ होने की पूरी कयास लगाए जा रहे हैं।